तो दोस्तों YouTube का एक बहुत बड़ा अपडेट आया है गाइडलाइन स्ट्राइक को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा गुड न्यूज है, बहुत अच्छा अपडेट है। जी हाँ, YouTube ने बहुत बड़ा एक राहत दिया है अपने क्रिएटर्स को। दोस्तों YouTube पे दो प्रकार का स्ट्राइक आता है, एक होता है कॉपीराइट स्ट्राइक, एक होता है कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक। कॉपीराइट स्ट्राइक कब आता है दोस्तों? कॉपीराइट स्ट्राइक तब आता है जब आप किसी अदर क्रिएटर का कोई कॉन्टेंट को यूज कर लेते हो। जैसे किसी और का वीडियो आपने उठा करके अपने चैनल पर डाल दिया, तो वो जो जिसका वीडियो आपने यूज किया है वो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकता है। और एक होता है कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक, ठीक है? ये होता है YouTube की तरफ से, ये YouTube देता है दोस्तों, ये स्ट्राइक YouTube देता है। कब देता है? जब YouTube का बहुत सारा रूल है उसका अगर आप उल्लंघन करते हैं तो आपको ये स्ट्राइक मिलता है। ये कब कब मिलता है देख सकते हो, मैंने पूरा रूल को यहाँ पर लिख दिया है। कम्युनिटी गाइडलाइंस क्या क्या होता है देखिए, बहुत प्रकार का कम्युनिटी गाइडलाइन होता है जो कि आपको फॉलो करना पड़ता है। लाइक फेक एंगेजमेंट अगर आप ले रहे हो, ये हो गया, एक्सटर्नल लिंक्स लगाने से भी होता है, स्पैम होने से भी होता है, एडिशनल पॉलिसीज भी है, चाइल्ड सेफ्टी होता है, थंबनेल को लेकर के पॉलिसी बना हुआ है कि थंबनेल में आप कोई ऐसा फोटो लगा दिए जो कि सेक्सुअल हो, कुछ सेंसिटिव टॉपिक पे हो तो आ सकता है, न्यूडिटी एंड सेक्सुअल कंटेंट होता है, सुसाइड एंड सेल्फ हार्म होता है, बल्गर लैंग्वेज होता है। तो इतना सारा कम्युनिटी गाइडलाइन है यूट्यूब पे जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है। अगर आप इसका उल्लंघन करते हो तो आपको मिलता है कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक। अब दोस्तों मैं आप सबको बताना चाहूंगा, यूट्यूब पे अभी तक का जो रूल था वो क्या था कि पहला जब आपको स्ट्राइक मिलता है आपके चैनल पर, जो मतलब मान लीजिए कभी नहीं आया, और एक स्ट्राइक जब आता था तो पहला वाला आपको होता था वार्निंग स्ट्राइक। इसमें आपको स्ट्राइक नहीं लगता था, वार्निंग मिलता था, और वो ये वार्निंग स्ट्राइक के नाम से आता था। कैसे आता था देख सकते हो, जब आप अपने यूट्यूब चैनल का यूट्यूब स्टूडियो ओपन करोगे ना तो यहीं पर आपको दिखेगा कि अगर आपका स्ट्राइक रहेगा तो, ये मेरा ब्लॉग चैनल है यहाँ पर मेरा कोई स्ट्राइक नहीं है। अगर आपका वार्निंग स्ट्राइक आया हुआ है तो यहाँ पर येलो कलर का लिखा हुआ आएगा, जो कि मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, आप देख सकते हैं इस प्रकार का। तो यहाँ पर आता है वार्निंग स्ट्राइक। उसके बाद तो जब कोई और स्ट्राइक आ जाता है, ये वार्निंग स्ट्राइक क्या होता है YouTube पे अभी तक क्या होता था कि ये परमानेंट, जिसको एक बार आ गया वो आ गया, उसके बाद ये खत्म, वार्निंग ही रहेगा, वो लाइफ टाइम आपके चैनल पर रहेगा, जैसे अभी भी सबका चैनल पर है जिसको आया हुआ। और उसके बाद अगर कोई स्ट्राइक आता है तो आपका एक स्ट्राइक काउंट होता है, जिससे क्या होता है आपका 1 वीक तक YouTube अपलोडिंग बंद कर देता है एक स्ट्राइक से। अगर आपका फिर 3 महीने के अंदर दूसरा स्ट्राइक आ गया तो आपका 14 दिन तक अपलोडिंग बंद। तो ये सब होता है रूल। फिर 3 स्ट्राइक आ गया तब तो भाई चैनल ही खत्म। तो पहला क्या होता है वार्निंग स्ट्राइक, जो कि लाइफ टाइम रहता था। अब दोस्तों YouTube का सबसे बड़ा गुड न्यूज ये है कि अब आपका अगर चैनल पर वार्निंग स्ट्राइक आया हुआ है तो आप उसको हटा सकते हैं, वो हट जाएगा। तो दोस्तों इसको हटाने के लिए क्या करना है कि यहाँ पर देख सकते हो मैंने अपना कंप्यूटर स्क्रीन ऑन कर लिया है, यहाँ पर आपको वार्निंग स्ट्राइक वाला लिखा हुआ दिखेगा। अगर आपका वार्निंग स्ट्राइक है तो यहाँ पर लिखा हुआ दिखेगा, उसी कॉर्नर पर आपको एक एक्शन बटन या फिर क्लिकेबल कोई लिंक आ जाएगा जहां पर आपको क्लिक करना होगा, और आपको YouTube कुछ सिंपल क्वेश्चन पूछेगा उस कम्युनिटी गाइडलाइंस को लेकर के। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कम्युनिटी गाइडलाइन बहुत सारा है, अगर मान लीजिए कि मेरा स्ट्राइक आया था, वार्निंग स्ट्राइक आया था कि मैंने मान लीजिए कि चाइल्ड सेफ्टी को लेकर के कुछ ये कर दिया था, कम्युनिटी गाइडलाइन का उल्लंघन किया था, जिससे मुझे मिला था वार्निंग स्ट्राइक। अब आपको चाइल्ड सेफ्टी को लेकर के कुछ आपको सवाल क्वेश्चन आंसर YouTube करेगा इससे रिलेटेड कि ये स्ट्राइक क्यों आता है, कैसे आता है, इससे बचने के लिए क्या है, देखिए पूरा डिटेल में लिखा हुआ ना, तो इसको आपको जानकारी लेना होगा इसके बारे में। उसके बाद क्वेश्चन आंसर का सही सही अगर आप आंसर कर देते हो तो आपका वो वार्निंग स्ट्राइक 90 डेज के अंदर में YouTube हटा देगा। अब दोस्तों इस तरह से वार्निंग स्ट्राइक आपका हट जाएगा, फिर आपका चैनल हो जाएगा पूरा फ्रेश, मतलब एक भी स्ट्राइक नहीं। क्योंकि वार्निंग स्ट्राइक को कैलकुलेट करने के साथ क्या होता था कि YouTube अब तक 4 हमें मौका देता था अपने चैनल को बचाने के लिए। एक वार्निंग स्ट्राइक, उसके बाद स्ट्राइक आता था, एक स्ट्राइक, फिर 2, फिर 3, और एक वार्निंग को लेकर 4, मतलब 4 स्ट्राइक आने से हमारा चैनल होता था डिलीट। तो अब वार्निंग स्ट्राइक हटा सकते हैं हम लोग, हट जाएगा अगर हम सही सही आंसर कर देंगे। सिंपल क्वेश्चन रहेगा, वैसे सब कोई कर पाओगे, इतना है कि YouTube खुद ही बता देगा। उसके बाद आपका फ्रेश अकाउंट हो जाएगा, मतलब वार्निंग स्ट्राइक हट गया, एक तो चांस आपका बढ़ गया, मतलब अब 4 स्ट्राइक आएगा तो आपका चैनल डिलीट होगा। लेकिन यहां पर एक कंडीशन है, अब उसके बाद अगर कोई स्ट्राइक आपका आता है, जैसे वार्निंग स्ट्राइक आपका हट गया 90 डेज के बाद, उसके बाद अगर आपका कोई स्ट्राइक और आता है तो अगर सेम कम्युनिटी गाइडलाइन, जैसे कि आपने जिस चीज का कम्युनिटी गाइडलाइन का उल्लंघन किया था पिछले बार जिस वजह से आपको वार्निंग स्ट्राइक आया था, लाइक इसको समझाने के लिए देखिए यहां पर इतना सारा वार्निंग स्ट्राइक का रूल होता है। मान लीजिए आपका पहले वाला आया था हार्मफुल एंड डेंजरस कंटेंट के अंदर, और आपने फिर से अगर हार्मफुल और डेंजरस कंटेंट ही डाला तो आपको स्ट्राइक ही पड़ेगा, वार्निंग नहीं पड़ेगा, सीधा एक स्ट्राइक। लेकिन अगर हार्मफुल और डेंजरस कंटेंट छोड़ करके अगर कोई अदर कुछ आपने फिर से कम्युनिटी गाइडलाइन का उल्लंघन किया, कोई दूसरा जैसे कि हैरेसमेंट को लेकर के, साइबर बुलिंग को लेकर के, ठीक है, क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के, तो आपको वार्निंग स्ट्राइक आएगा, डायरेक्ट स्ट्राइक नहीं आएगा, मतलब 4 चांस आपको फिर मिलेगा। लेकिन अगर सेम आपने जो वार्निंग स्ट्राइक पहले बार आया था जिस कम्युनिटी गाइडलाइन को लेकर के, और सेम से आप उसी कम्युनिटी गाइडलाइन का उल्लंघन करते हो तो आपको सीधा स्ट्राइक ही मिलेगा, वार्निंग नहीं मिलेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है, काफी आसान भाषा में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। YouTube का ये बहुत अच्छा अपडेट है, आपका वार्निंग स्ट्राइक हट भी जा रहा है, प्लस आपको 4 चांस भी मिलेगा, बट एक शर्त है,
टर्म्स एंड कंडीशन कि आपको सेम कम्युनिटी गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं करना है। इसके बारे में दोस्तों डिटेल जानना है तो आप YT स्टूडियो खोलना है। यहाँ पर देखिए न्यूज में आपको यहाँ पर आएगा कम्युनिटी गाइडलाइंस वार्निंग अपडेट, यहाँ पर डिटेल में लर्न मोर के ऊपर में क्लिक करके आप इसके बारे में जान सकते हो। ये यूट्यूब ने वीडियो भी डाला हुआ है, ठीक है, इसके बारे में आप जान भी सकते हो, पूरा देख लेना, वीडियो रीड कर लेना, आर्टिकल्स वगैरह सब कुछ है। एंड आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया है, मैंने सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करना वीडियो पे, एंड वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।